जब वी मेट, रॉक स्टार, हाईवे और लव आजकल जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके फिल्म मेकर इम्तियाज अली जल्द ही बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला की जिंदगी को पर्दे पर लेकर आने वाले हैं। हालांकि अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि वे मधुबाला पर फिल्म बना रहे हैं या वेब सीरीज। खरीद लिए मधुबाला की बायोपिक के राइट्स। एशियन एज की एक खबर के मुताबिक इम्तियाज ने मधुबाला पर बायोपिक बनाने के लिए अधिकार भी प्राप्त कर लिए हैं। फिल्म बसंत से 14 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार से डेब्यू करने से लेकर फिल्म नीम कमल में राज कपूर के साथ काम करने तक मधुबाला की जिंदगी को दर्शाया जाएगा। ऐसी थी मधुबाला की लाइफ। मधुबाला ने अपने 22 साल तक चले फिल्मी करियर में कुल 73 फिल्में की, जिनमें से किसी के लिए भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था। मुगल आजम के लिए भी उन्हें केवल नॉमिनेशन ही दिया गया था। फिल्म में उनके दिलीप कुमार से रिश्ते, किशोर कुमार से शादी और आखिरी वक्त के अकेलेपन को भी दिखाया जा सकता है। वैक्स स्टेच्यू से आया बायोपिक का ख्याल। दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में अगस्त 2017 में मधुबाला का वैक्स स्टेच्यू लगाया गया था। तभी से मधुबाला के जीवन पर बायोपिक बनाने की बातें चल रही थीं। बॉलीवुड के कई लोग बहन की लाइफ पर फिल्म के राइट्स पाने मधुर से अप्रोच कर रहे थे। मधुर का कहना था कि फिल्म में उनकी बहन की लाइफ स्टाइल के साथ पूरा न्याय होना चाहिए, इसलिए वे इसे खूबसूरत अंदाज में बनाएंगी। मधुर ने कहा था, मेरी इजाजत जरूर लें। मधुर ने कहा था कि मधुबाला के चाहने वाले और बॉलीवुड में काम करने वाले या फिर कोई और सिनेमा से जुड़े व्यक्ति मेरी बहन की बायोपिक या कोई और फिल्म टीवी शो न बनाए, खास तौर पर मेरी इजाजत के बिना तो बिल्कुल नहीं। मधुर ने यह भी बताया था कि वे फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगी। हालांकि वे चाहती हैं कि मधुबाला की बायोपिक उनका किरदार बॉलीवुड करीना कपूर खान निभाएं। अजब गजब है मधुबाला के किस्से। खूबसूरती का दूसरा नाम मधुबाला की लाइफ के किस्से भी बेहद अजब गजब हैं। मधुबाला ने दिलीप कुमार से ब्रेकअप के बाद किशोर कुमार से शादी की थी, लेकिन इस लव स्टोरी को पूरा करने किशोर कुमार ने इस्लाम अपनाया और वे अब्दुल करीम बन गए थे। मधुबाला बिमल रॉय की फिल्म बिराज बहु में काम करना चाहती थी, जिसमें रोल पाने उन्होंने बिमल दा के ऑफिस के कई चक्कर लगाए थे, लेकिन बिमल ने उन्हें कास्ट नहीं किया। 1954 में आई फिल्म बिराज बहु शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बांग्ला उपन्यास पर बनी थी। अमेरिकन डायरेक्टर प्रैंक कैपरा मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने इसके लिए मना कर दिया। पिता के कारण ही दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी अधूरी रह गई। मधुबाला का आखिरी वक्त बेहद तकलीफों भरा था। मधुबाला के शरीर में जरूरत से ज्यादा खून बनता था, जो उनके नाक और मुंह से बाहर आ जाता था। वहीं दिल में छेद के कारण मौत से पहले हड्डियों की ढांचा रह गई थी।